अम्बाला शहर के बलदेव नगर इलाके में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब सेठी एनक्लेव कॉलोनी के बीचों बीच एक बारह सिंगा दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई और वहीं बारह सिंगा भी लोगों से डर कर इधर उधर भागने लगा। तभी बिना समय गवाए डायल 112 द्वारा वाइल्ड लाइफ की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से टीम को बारह सिंगे को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन दो तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बिना जान माल के नुकसान से बारह सिंघा को काबू कर लिया गया। बिल्कुल, आज सुबह जब हमें डायल 112 से सूचना मिली, बलदेव नगर पुलिस चौकी इंचार्ज का फोन आया कि यहां पर बलदेव नगर सेंटिंग क्लेव के अंदर सुबह लोगों ने बारह सिंघा देखा है। पहले तो हमें यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बारह सिंघा हमारे इस एरिया में नहीं पाया जाता, लेकिन जब हम यहाँ हमारी टीम मौके पर पहुँची और वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुँची तो देखा कि ये सच में एक बारह सिंघा था और जो कि एक कॉलोनी के बीचों बीच आ गया था, जो कि लोगों से डर भी रहा था। लोग बड़े भीड़ इकट्ठा के कारण वो डरने की वजह से इधर उधर भाग रहा था। लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है बिना किसी नुकसान, किसी को कोई जानमान का नुकसान ना होने के कारण वो भाग बहुत तेजी से रहा था, फिर भी उसको एक दो घर में या एक प्लाट में जैसे ही उसको दो घंटे की कड़ी मुश्किल के बाद सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके उसको गाड़ी में लोड कर लिया गया है। अब सर कहाँ छोड़ा जाएगा सर? जी बिल्कुल, अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे भी उच्च अधिकारियों के आदेश होंगे तो इसको जंगली इलाके में छोड़ा जाएगा और ये जंगल से कहीं भटक कर रात के अंधेरे में ये शहर की तरफ आया है और ये मतलब आउट ऑफ जंगल जैसे कि काड़ा आम नहान इधर से ही आया है क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रजाति नहीं पाई जाती। फिलहाल वाइल्ड लाइफ की टीम ने किसी जानमाल के नुकसान के बिना 12 सिंघा को रेस्क्यू कर लिया है और अब उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार 12 सिंघे को जंगली इलाकों में छोड़ दिया जाएगा। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।